आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर हम पॉलिस्टर करते हैं या हम पीयू करते हैं तो ये सारी जगह पर जैसे एक दो कोट लगा है तो यहाँ पर तो मटेरियल आ गया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मटेरियल नहीं चिपक रहा था। जब हमने किया तो वो ऐसे फिंगर से ही हट रहा था, मतलब इसने यहाँ पर पकड़ नहीं की थी। तो उसमें क्या करना है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने स्प्रे किया या हमने ब्रश से पॉलिस्टर किया तो कुछ जगहों पे वो पकड़ती नहीं है, बेस पकड़ता नहीं है। वहाँ पर आप हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें फिर दोबारा से जब जैसे हमने मटेरियल लगा दिया एक कोट और वहाँ पर वो सूख नहीं रहा है या चिपक नहीं रहा है, या सूखने के बाद भी अगर कपड़े से हटा रहे हैं या फिंगर से हटा रहे हैं तो हट जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप कपड़ा लेके थिनर से उसको साफ़ कर दें बिल्कुल अच्छी तरह, ये पूरा साफ़ कर दें। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद इस पर रेगमाल सैंडिंग करें, अच्छे से रेगमाल लगा दें, ठीक है। रेगमाल लगाने के बाद आपको इस पर करना है इपॉक्सी, थोड़ा जब सूख जाए थिनर से साफ़ कर दें, साफ़ करने के बाद जब सूख जाए तो आपको फिर इस पर इपॉक्सी लगाना है। इपॉक्सी लगा के आपको इसको आधा पौना घंटा छोड़ देना है, लगभग एक घंटा मान लीजिए। उसके बाद एक घंटे के बाद जब ये सूख जाए पूरी तरह से इपॉक्सी, तो आपको हल्के हाथ से इस पर सैंडिंग कर देनी है। सैंडिंग करने के बाद फिर इस पर जो डस्ट आएगा उसको साफ़ कर दीजिए, और साफ़ करने के बाद फिर ब्रश से या स्प्रे से इसके ऊपर कोट डाल दीजिए। अक्सर ऐसा होता है, देखिए जैसे यहाँ पर अभी भी बहुत हल्का सा ही ये चिपक पाया है, यहाँ पर ये इसको नहीं पकड़ रहा है, तो इसमें हमें यही करना होगा कि इसको उतारना पड़ेगा, और उतारने के बाद फिर हम इसमें लगा देंगे दोबारा से वही प्रोसेसर जो मैंने अभी बताया है। और दूसरी बात ये कि जब आप पहला कोट डालें, ब्रश से डालें या मशीन से डालें, तो पहले कोट में हमेशा हार्डनर थोड़ा ज़्यादा रखना है, ज़्यादा इन द सेंस के जैसे मान लीजिए आपको आप इसमें 2% रख रहे हैं तो 2% नहीं रखना है, आपको इसमें 7-8% रखना पड़ेगा हार्डनर, 5 से ऊपर ही आना है, मतलब 6-7-8 इस रेंज में, इस एवरेज एक अंदाजे से आप डाल दें पहले कोट में। तो उसके बाद इस पर मारेंगे तो हार्डनर तेज़ होगा तो ये उसमें पकड़ कर लेगा, दोबारा से फिर ख़राब नहीं होगा। अब ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, और मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है इसका क्या सोल्यूशन है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से आपको जवाब दूंगा। ये करने के बाद अब देखिए मैं इस तरह से इस पर ब्रश से लगा रहा हूँ, जहाँ पर ये नहीं लग रहा था, चिपक नहीं रहा था, मैं वहीं पर लगा रहा हूँ। इसमें हार्डनर, हालांकि ये दूसरा कोट है मगर मैंने इसमें भी हार्डनर थोड़ा तेज़ रखा है, हार्डनर इसमें थोड़ा तेज ही रखना पड़ेगा ताकि ये जहाँ पर चिपक नहीं रहा है वहाँ पर ये अपनी पकड़ बना ले ठीक से। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रश से इसको लगा रहा हूँ, हार्डनर तेज इसलिए के साथ ये सूख जाएगा। इस तरह से आपको ब्रश से लगा लेना है, ये पॉलिस्टर कर रहा हूँ मैं। अब जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो हमें एक हाथ इस तरह से मारना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, दोनों तरीके से हमें हाथ इस पे मारना पड़ेगा, तब जाके ये इस पे माल टिकेगा।